हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा। ऑल ऑफ यू हैप्पी महाशिवरात्रि। अच्छी तरह से घर में पूजा करिए और शिवरात्रि का एंजॉय करिए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे तोता द पैरट। ये बहुत प्यारी सी चिड़िया है और सबको बहुत प्यारा लगता है ये। आपने तोता कभी देखा है? जंगल में देखे होंगे या तो किसी ने किसी ने केज में यानी कि पिंजरा में भी तोते को हम लोग रखते हैं। अगर हम उनको बोलेंगे मीट यू तो रिप्लाई में क्या देते हैं? आपने जैसे सेम ही वर्ड वो रिप्लाई करते हैं मीट यू, वो बोल के ऐसे रिप्लाई देंगे। आज हम द पैरट तोता के बारे में पढ़ेंगे। हरे रंग का तोता हूं। तो स्टूडेंट्स, तोता का कलर कौन सा होता है? हरे रंग। हरे रंग का तोता हूँ, पहाड़ पर मैं रहता हूँ। और मैं हरे रंग का हूँ और मैं कहाँ पर रहता हूँ? मैं पहाड़ों पर रहता हूँ, जंगल में, हिल में। सारे फल में खाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमको भी जैसे भूख लगती है तो तोता को भी भूख लगती है। हमारी पैरट जो क्या करता है, वो हरे रंग का है और वो पहाड़ पर रहते हैं और वो क्या करते हैं, सारे फ्रूट्स यानी कि सारे फल में खाता हूँ। सभी जंगल में जितने भी तरीके के फल मिलते हैं वो खाते हैं। किसी के हाथ ना आता हूँ। अगर हम कोशिश करेंगे उनको पकड़ने के लिए तो क्या करते हैं, फुर से उड़ के चले जाते हैं। हरे रंग का तोता हूँ, मेरा कलर जो है हरे रंग का है। पहाड़ों पर मैं रहता हूँ। मेरा ठिकाना क्या है, मेरा एड्रेस क्या है? मैं पहाड़ों पर रहता हूँ। सारे फल मैं खाता हूँ। सभी फ्रूट्स जितने भी आता है सबको मैं खाता हूँ। किसी के हाथ ना आता हूँ। और कोई अगर मेरे को पकड़ने के लिए कोशिश करे, मैं किसी के हाथ में भी नहीं आता हूँ। हरे रंग का तोता हूँ, पेड़ों पर भी रहता हूँ। पहला पैराग्राफ में क्या था, पहाड़ों पर मैं रहता हूँ। लेकिन पहाड़ पे कहाँ पे? पहाड़ पे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके ऊपर रहता हूँ, पेड़ों के ऊपर। डाली पर मैं झूल झूल कर सबका मन बहलाता हूँ। एक डाली से दूसरे डाली को झूल झूल कर, मतलब वहाँ पर रहकर सबका मन बहलाता हूँ। सबको, मेरे को कोई भी देखते हैं तो उनके मन जो होता है आनंद और प्रफुल्लित हो जाता है। ये रही हमारी पैरट की स्टोरी। स्वाध्याय एक्सरसाइज। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। सही उत्तर पर जो आंसर सही होगा उसके ऊपर हम राइट करेंगे। तोता कैसा है? हरा, लाल, रंग बेरंगा। तो कौन सा स्टूडेंट्स कलर था उसका? उसका था हरा। ओके, ऐसा अपना बुक में टिक करना है आपको एक्सरसाइज में। तोता क्या खाता है? सब्जी खाता है, चावल खाता है, फल खाता है। उसने क्या लिख बोला था? सारे फल में खाता हूँ। तो फल, फ्रूट्स जो होगा ना, उस वहां पे टिक कर देना है। नेक्स्ट, तोता कहाँ झूलता है? पेड़ों पर, डाली पर, झूले पर? पेड़ों पर तो नहीं, पेड़ की जो डाली होता है, जो ब्रांचेस होती है, उनके ऊपर हमारे तोता झूलते रहते हैं। तो उसमें डाली पर टिक कर देना। कंप्लीट द लाइंस, पंक्तियां पूर्ण करो। पहाड़ पर मैं रहता हूं। ओके, नेक्स्ट, सारे फल, सेकंड जो ब्लैंक से यहां पे, सारे फल में खाता हूं। किसी की हाथ ना आता हूं। सबका मन बहलाता हूं। जो फर्स्ट और सेकंड लाइन जो है वो तो उसके अंदर ही, पोएम के अंदर ही आंसर रहता है। पहला का जो है रहता हूं, सेकंड का जो है फल मैं खाता हूं, थर्ड किसी की हाथ ना आता हूं, फोर्थ सबका मन बहलाता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट नंबर 3, समझो और सही अक्षर की अधिकृत करो, अंडरस्टैंड एंड अंडरलाइन। आप उसको वर्ड्स को समझाएंगे फिर उसका नीचे अंडरलाइन करेंगे। प पहाड़, प पतंग, प पर, इसमें 3 वर्ड्स कैसे दिया है पहले से, ये प के नीचे अंडरलाइन किया गया है। हमको भी ऐसा करना है, झूलना, टहलना, फल, तो तीनों में क्या आता है, लो लो लो। ओके, नेक्स्ट कमल, नमक, कल, तो क्या होता है, क के नीचे क क क। वजन, भरना, नभ, व व व। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन कंप्लीट हो गया, 90 लेसन। इसको आप क्या करेंगे, अपनी जो बुक है एक्सरसाइज की बुक में उसमें कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।